Hello students, today we are going to learn standard 6 chapter 1 knowing our numbers. Today we will learn about international system of number. Let's see first place value table. Place value table में सबसे पहले हम ones, tens, hundred, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion and 100 billion. अभी ये बड़े बड़े सभी numbers को हम place value table में arrange करेंगे. सबसे पहले हम 2 unit place से start करेंगे. यूनिट प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे. तो 2 यूनिट प्लेस पे हम कौन सा डिजिट है? 2. 2 के बाद जितने भी डिजिट है वो 1 बाय 1 प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करेंगे. 2 2 9 0 2 यूनिट प्लेस 1 प्लेस 9 10 प्लेस 0 100 प्लेस 1000 प्लेस 2 10000 प्लेस 9 100000 8 मिलियन 7 10 मिलियन. वैसे सभी नंबर को हम प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करेंगे. प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करने से आपको पता चलता है कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस वैल्यू टेबल में है. उसके हिसाब से रीड करने में भी हमें इजी रहता है. लेट पुट कॉमास. हम पहले इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे हम अप्लाई करते हैं वो देखेंगे. इंटरनेशनल नंबर में यूनिट 100, यूनिट 10 एंड 100 ये यूनिट पीरियड्स है. पूरा यूनिट पीरियड्स 1000 पीरियड 1 2 और 9000 पीरियड में है एंड 8 एंड 7 है मिलियन पीरियड में, राइट. तो हमें इसको इंटरनेशनल नंबर में हमें देखना है कि हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा हमें अप्लाई करना है. बस हमें इतना ही याद रखना है इंटरनेशनल नंबर में कि इंडियन सिस्टम में हम क्या करते थे कि हर पहले यूनिट 10 और 100 के बाद एक कॉमा और बाकी के सभी कॉमा दो दो डिजिट के बाद अरेंज करते थे. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद एक एक कॉमा अप्लाई करेंगे. हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा हमने अप्लाई किया है. उससे आगे लेट्स राइट दिस नंबर इन न्यूमरेशन. यहाँ पे 78,921,092 ऐसे हमें ये पूरे नंबर को लिखना है. यहाँ पे 100, यहाँ पे जीरो में हमें ध्यान रखना है कि जीरो है वहां पे हमें कुछ नहीं 92 यहाँ लिखा है. यहाँ कुछ भी सोचना नहीं है, 92 आपको लिखना है. अगर यहाँ पे जीरो की जगह 1 होता तो आप लिख सकते हैं 192. 123,456,789,765 यहाँ पे भी एक भी जीरो नहीं है इसलिए आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है. प्लेस वैल्यू के हिसाब से, कॉमा के हिसाब से आपको फटाफट ये न्यूमरेशन में कन्वर्ट आप कर सकते हो. यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है. यहाँ मैं दो प्रकार से आपको सिखाऊंगी. 99,985,102 देखा, यहाँ जीरो की जगह पे दो होता तो 122 होता. वैसे ही सभी नंबर्स को हमें न्यूमरेशन में कन्वर्ट करना अभी आ गया है. अभी सीखेंगे हम द रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स के यहाँ पे ये सभी रोमन नंबर के सिंबल्स है और यहाँ पे ये डिजिट है. दो बार 1 यानी 2, 1 प्लस 1 2, दो बार x 10 प्लस 10 20, 3 बार x 10 प्लस 10 प्लस 10 30. यहाँ पे देखो, यहाँ पे खूब हमें ध्यान रखना है v उसके लेफ्ट साइड में एक 1 है तो लेफ्ट साइड में कोई भी छोटी संख्या होना यानी वो संख्या ये 5 में से 1 को माइनस करना है. तो 5 माइनस 1, अगर लेफ्ट साइड में 1 है तो माइनस करना है, अगर राइट साइड में 1 है तो प्लस करना है. यहाँ पे देखो
एल, एल यानी 50, और लेफ्ट साइड में 10 यानी 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। यहां पे 10 लेफ्ट साइड में, 1 यानी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 90। यहां पे x और c है, तो x और c है, तो c 100 माइनस लेफ्ट साइड में 10 है, यानी 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 एंड x ओनली, 5 एंड 10 ओनली। तो यहां पे बड़ी वैल्यू जो है 5 एंड 10, उसमें से हम 1 को अगर लेफ्ट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम l, m एंड 100। यहां पे l, m एंड 100 बड़ी वैल्यूज है, 100 l यानी 50 और c यानी 100, तो उसमें से हम ये छोटी वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। दीज आर द फॉलोइंग रोमन नंबर्स। फर्स्ट वन, वन का सिंबल है आपको मैंने आगे बताया, उस आपको पता ही है। टू का 2 लाइन, 3 का 3 लाइन, 4 5 माइनस 1, 4 देखो यहाँ 5 के लेफ्ट साइड में 1 है, तो 5 माइनस 1 4, यहाँ पे 5 ओनली, 5 के राइट साइड में 2 लाइन यानी 7, 5 के राइट साइड में 3 लाइन यानी 8, 5 6 7 8। यहाँ पे 10 के लेफ्ट साइड में 1 यानी 9, यहाँ पे ओनली x यानी 10, यहाँ डबल x यानी 20, यहाँ L के लेफ्ट साइड में 10 है तो 40, यहाँ पे ओनली L है तो 50, उसका L का सिंबल वैल्यू है 50, यहाँ पे L के राइट साइड में x है तो 60, यहाँ L के राइट साइड में 2 x है तो 70, यानी 50 60 और 70, यहाँ 8 50 60 70 और 80 प्लस राइट साइड में 3 एक्स है यानी 10 10 10 यानी 30, 5 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। नाउ वी विल सॉल्व सम सम्स ऑफ रोमन नंबर्स। फर्स्ट वन एक्स एल एंड वी इज इक्वल टू एक्स एल प्लस वी को प्लस के ये दोनों को अलग करना है खाली हमारे समझने के लिए। अभी यहाँ x का l का मतलब है 50 और x का मतलब है 10, तो 50 माइनस 10, अगर l के राइट साइड में x होता तो प्लस आता, लेकिन यहाँ l लेफ्ट साइड में है x, तो यहाँ माइनस आएगा प्लस 5, यानी इसका 40 प्लस 5 45 आंसर आएगा यहाँ पे। एल एक्स एंड ट्रिपल वन इसको कैसे करेंगे, तीनों तीन को पहले प्लस के सिंबल से अलग करेंगे, एल प्लस एक्स प्लस ट्रिपल वन। एल का वैल्यू है 50, एक्स का वैल्यू है 10, प्लस 3 ट्रिपल लाइन का मतलब है 3, तो 5 प्लस 10 60 एंड प्लस 3 63। यहां एल डबल एक्स 5 एंड 1, तो पहले L प्लस डबल x को एक ले लेंगे और प्लस 5 एंड 1 यानी 6 को एक अलग करेंगे। L का सिंबल का मतलब है 50, 2 यहाँ 10 को दो बार मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप डायरेक्ट 20 भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 76, तो हमें रोमन नंबर्स भी आ गए और रोमन नंबर्स के सम भी हम यहाँ पे सीख गए। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।